नेक्स्ट क्रिएटर है एट द एज ऑफ 17. सिल्वर प्ले बटन, कोल प्ले बटन, दोनों वोटर आईडी से पहले मिल गए भाई को. यू नो हु वी टॉक अबाउट, लेट्स वेलकम जेरी डिनोटी. तो कैसे हैं आप लोग? क्या बात है. देखो यार, सुनो, नहीं 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 सुनो, देखो देखो, जब से मैं YouTube ऐसा फुल टाइम करियर कर रहा हूं ना, मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया. सबसे पहला बदलाव मैं तुम्हें बताता हूं. जैसे कि जब तक मैं 3 ऐसे कमेंट्स नहीं पढ़ लेता ना, जिन्हें देख के मुझे ऐसा लगे कि साला कोई मेरे मेरे रूह के अंदर 36 थप्पड़ चढ़ रहा है, ऐसा लगता मुझे कि यार आज कुछ ना कुछ रह गया. समथिंग वॉज मिसिंग टूडे. क्या बात है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अब देखो देखो देखो, सुनो सुनो, अब पता है क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं प्लीज? ओके, नहीं सीरियसली परफॉर्म करने दो प्लीज यार. अब पता है यार, लोग, मैं जहां पर भी जाता हूँ मुझसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें हंसाऊंगा जहां पर भी मैं जाता हूँ. अब देखो यार, मैं किसी इवेंट पे जाता हूँ तो मुझे समझ में आता है, लेकिन एयरपोर्ट के संडास में थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं देखो, चलो यार मैं भी इंसान हूं, मेरा प्रेशर बना, मैं टॉयलेट गया, मैं सुपरमैन पोज में ऐसे खड़ा हूं. अरे अरे, ये वंडर वुमन है, हम सुपरमैन बने हैं यार, क्या कर रहे हो तुम? नहीं बैठो. अरे बैठो तुम, क्या करते हो यार? खैर मैं खड़ा हूं सुपरमैन पोज में आराम से, और मेरे साइड वाला बंदा मुझे पहचान लेता है और मुझसे बोलता है, अरे खैरी भाई यार तू बड़ा सही काम करता है. मैंने कहा थैंक यू सो मच, फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है. अब देखो, मेरे दिमाग में चल रहा है कि भैया प्रकृति का काम अभी चल रहा है, गंगा जमुना अभी भी बह रही है, फिर ये ऐसे करके क्या क्या हासिल करना चाह रहा है? ठीक है चलो यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. ठीक है, क्या मेरे को पता नहीं है क्या हासिल करना चाह रहा है. अरे ठीक है भाई, शांति रखो यार, ऐसा ऐसे भी कुछ नहीं होता है. ठीक है, मेरे को पता नहीं है वो क्या हासिल करना चाह रहा है. फिर मेरे अंदर का मेरे अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट जाग गई. मैंने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया. अब सुनो मेरी बात, जब तुम किसी पब्लिक बाथरूम में जाते हो और तुम देखो भाई, दो लोंडे साइड बाय साइड घूम रहे हैं और एक दूसरे का उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, कैसा लगे? कोई बात नहीं. अब मैं जब भी एयरपोर्ट जाता हूं ना, मैं दूर से देख के बता सकता हूं कि कौन यहां पहली बार आ रहा है और कौन यहां सदियों से आ रहा है. जो लोग सदियों से आ रहे हैं वो आराम से ऐसे एक हाथ में फोन और दूसरे में ब्रीफकेस आराम से टहल रहे हैं, चिल. अब जो लोग पहली बार आ रहे हैं, पता ही बेचैन पागल, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है चॉकलेटी दुनिया में आ गए. अरे यार, अरे यार, वो तो टॉयलेट है, वहां पर एक बंदा अपने नाक के बाल खुजा रहा है. अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है. खैर, जब मैं पहली बार एयरपोर्ट गया था ना अकेले, मेरी फट रखी थी, सही बता रहा हूँ, मेरी फट रखी थी, मुझे नहीं पता था एयरपोर्ट कैसे काम करता है.
मैंने जैसे 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 मैंने काउंटर ढूंढा टिकट वाला, हाँ बोर्डिंग पास मिलता है वहां, वैसे टिकट कहते हैं उसे, ठीक है एक ही बात है। अब मैंने टिकट काउंटर ढूंढा। अब उस टाइम यार मैं थोड़ा सा झल्ला सा ड्रेसअप होता था, ज्यादा अच्छा नहीं मतलब झल्ला सा, ठीक है। अब वो मेरे को देखता है और मेरा ऐसे झल्लापन, वो स्टेटस चेक कर रहा मेरे से ऊपर से नीचे से। अच्छा हाँ, फिर ऐसा बोलता मेरे से, हाँ क्या चाहिए? अबे ये कैसा सवाल है, क्या चाहिए? बोर्डिंग पास भी चाहिए होगा, डबल टोन दूध थोड़ी मैं मांगू तेरे से। दूधिया तो नहीं लगता तू, दूधिया इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन चाहे तो पहन सकते हैं, हैशटैग इक्वालिटी। हाँ देख रहे हो, हाँ देख रहे हो यूट्यूब वालों, अगली वीडियो ट्रेंडिंग पे आ जानी चाहिए, इंस्पायर कर रहा हूँ। हाँ मजाक नहीं चाहिए। खैर ऑब्वियसली पहली बार सबकी फ्लाइट मिस होती है, मेरी भी फ्लाइट मिस हो गई थी। अब मेरी मिस हो गई, मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई मैं अब क्या करूं। अब वो ऐसे बस ऐसे पॉइंट कर देता है, और जहां वो पॉइंट कर रहा है ना वहां पर एक बच्चा खड़ा जो अपना हाथ चाट रहा है। अब बच्चा होते भी उधमे ही है, बिल्कुल ऐसे चलते जैसे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ऐसे। अरे अरे मम्मी, अरे मम्मी पकड़ो पकड़ो वो। खैर मैंने उससे वापस पूछा, भाई कहां पर? वो कहता वहां काउंटर पे, काउंटर पे। और मैं देख रहा हूं वहां 50 काउंटर है, लिटरली 50 काउंटर है। अब देखो मुझे पता नहीं कौन से काउंटर पे जाना है, और मैं उससे तो घंटा नहीं पूछ रहा। तो फिर उस वक्त मैंने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है, यस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो असल में पूरे 100 में लगा धावा चोने करके भागा, राजा की बेटी सोती थी आलू भट्टा धाम, मुझे मेरा काउंटर मिल गया था। अब मैं उस काउंटर पे गया, उस काउंटर वाले ने मुझे दूसरे काउंटर पे भेजा, उसने मुझे दूसरे पे भेजा, ऐसे करते करते एक एयरपोर्ट का 360 डिग्री चक्कर लगाने के बाद मैं समझ गया ये तो खेल रहे हैं मेरे साथ। अब उस वक्त मैंने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है, मैं पीछे मुड़ा, गेट से बाहर निकला, कैब बुक की, घर गया और बेड में जाके चुप चादर ओढ़ के सो गया लाइक अ बॉस। यस आई डिड दैट। पता इससे बढ़िया क्या चीज होगी भाई? भाई मैं चाहता हूं तुम ये जूता निकाल और मेरे यहां मार, निकाल में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, निकाल मैं बैठा क्यों है, निकाल मजाक नहीं है, निकाल मैं वेट कर रहा हूं, निकाल जूता निकाल, जूता निकाल भाई, देर से बात हो रही है, जूता निकाल भाई, सही में निकाल, बाद में दे दूंगा, निकाल निकाल। अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो तुम बेटा, अरे मार दे दूंगा जूता। फिर अगले दिन ऐसे YouTube पे वीडियो आ जाएगी, कैरी मिनाटी परफॉर्म सो बैड पीपल वर थ्रोइंग शूज। मैंने यार एक छोटी सी कविता लिखी है, आजकल के जमाने में उसे रैप कहते हैं, थ्रो द बीट। ये तो दूसरी है भाई। चल रही है, चल रही है।
हालांकि टिकट फ्री थे लेकिन थैंक यू साइज फॉर कमिंग आउट. जो लोगों ने पैसे दिए वो तो आए नहीं. हमारा यही है, खत्म होता है, हमें अब जाना पड़ेगा, लंबा होगा.